भावना जी का। अंशुल जी, महेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये स्टील एक्सचेंज पर सवाल है, हालांकि थोड़ी छोटी कंपनी यहाँ पे नज़र आ रही है, 15 रुपये का भाव है, इन्होंने लिया ही कुछ 15 रुपये से, वहाँ से थोड़ा उसके आसपास ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया है स्टॉक का नाम। यहाँ पर इनका नज़रिया है, इन्होंने बताया कि नो टाइम नीड प्रॉफिट। तो महेश जी, नो टाइम नीड प्रॉफिट के हिसाब से स्टील एक्सचेंज पर क्या राय बनती हुई नज़र आ रही है? बाय एंड फॉरगेट के हिसाब से इस स्टॉक को आप लेके रख दीजिए। हो सकता है कि ये स्टॉक्स एक काफी अपसाइड पोटेंशियल भी बता दे। इस स्टॉक्स को आप एक बार का अगर नीचे का स्टॉप लॉस 10 रुपए लगाओ और अपर साइड अनलिमिटेड रखो, तो हो सकता है कि ये 30 से 40 रुपए भी आराम से आपको दिखा सकता है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल लगता है और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर एक अपसाइड भी अपने को देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये स्टॉक्स जो है थोड़ा सा वैल्यू वाइज भी ठीक लग रहा है ये लेवल से, और थोड़ा अपने को टेक्निकली भी टर्म्स के ऊपर वापस से 16 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो इसमें एक फास्ट अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हो सकता है अंशुल जी का भी इसमें ट्रैक रहेगा जिस हिसाब से मुझे याद है, तो स्टॉक्स के अंदर अपसाइड मोमेंट पोटेंशियल है और ये अपसाइड मोमेंटम 1 साल के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं तो 1 साल के हिसाब से 35 से 40 तक के टारगेट मान के चल सकते हैं। छोटा स्टॉक से टर्न अराउंड भी काफी अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि कंपनी के अंदर अच्छे खासे अपडेट्स अपने को देखने को मिले।